नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। रीवा के मनगवा थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 के ढाबे में उत्पाद मचाना एएसआई को महंगा पड़ गया। एसपी नवीन भसी ने जारी आदेश में कहा कि सहायक उप निरीक्षक धनेश कुमार पांडे थाना मनगवा बीते दिनों गश्त के दौरान अभद्रता कर रहे थे, साथ ही आमजन को मारपीट करने की धमकी दे रहे थे। ऐसे में सहायक उप निरीक्षक को मनगवा थाने से हटाकर तत्काल प्रभाव से रक्षित केंद्र रीवा अटैच किया गया है। एमपीपीएससी भर्ती परीक्षा में ओबीसी को 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए ओबीसी को 27% आरक्षण देने के बजाय 14% आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से ओलावृष्टि व बारिश से प्रभावित 1,46,000 से अधिक कृषकों के खाते में 20,290 करोड़ रुपए की राहत राशि का अंतरण किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विगत 22 महीनों में 1,72,000 करोड़ से अधिक राशि किसानों के खातों में डालने का काम किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज यानी 17 फरवरी 2022 से शुरू हो गई है। वहीं कक्षा 10वीं की परीक्षा कल यानी 18 फरवरी 2022 से शुरू होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके के एक घर में गुरुवार दोपहर एक संदिग्ध बैग मिला। सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और एनएसजी मौके पर पहुंची। संदिग्ध बैग में आईईडी मिलने की जानकारी सामने आई है। बता दें कि जिस कमरे में आईईडी मिला है उसमें 3 से 4 लड़के किराए पर रह रहे हैं, जो फिलहाल फरार हैं। इंदौर में बुधवार देर रात आए कोरोना बुलेटिन के अनुसार 9,237 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 101 पॉजिटिव आए। वहीं स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 418 रही। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभरात्रि। We'll be right back.